बबरपुर के राजा अक्सर अपने महल के बाहर दरबार लगाया करते थे, जहां वे अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनते और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते थे। एक दिन उस राज्य में एक व्यक्ति अपने हाथों में एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा लेकर पहुंचा। देखने में कांच का वह टुकड़ा हीरे के समान ही प्रतीत हो रहा था। वह व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और उसने भरी सभा में राजा से कहा कि हे राजन, मेरे हाथ में एक बहुमूल्य हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। मैं इन दोनों को यहाँ सामने मेज पर रख रहा हूँ। आपके इस राज्य में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इनमें से असली हीरे की पहचान कर दे तो यह हीरा मैं आपको सौंप दूंगा। लेकिन यह ध्यान रहे कि अगर उसने गलत चुनाव किया तो हीरे के मूल्य के जितनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे असली हीरे की पहचान करें। सभी मंत्री एक एक करके उस मेज के पास पहुँचे, पर कोई भी मंत्री असली हीरे की पहचान नहीं कर पाया। राजा भी समझ नहीं पा रहा था। तभी राजदरबार में उपस्थित प्रजा समूह में से एक आवाज आई, राजन कृपया मुझे भी प्रयास करने दें। आवाज एक बूढ़े व्यक्ति की थी जो अंधा था, बचपन से नेत्रहीन था। सबको लगा इतने बुद्धिमान मंत्रियों से कुछ नहीं हुआ तो यह बूढ़ा व्यक्ति क्या कर लेगा। लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी न था। बूढ़े व्यक्ति को उस मेज के पास लाया गया। उसने दोनों वस्तुओं को छुआ और एक झटके में बता दिया कि असली हीरा कौन सा है। उस बूढ़े अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली थी। वह व्यक्ति भी चौंक गया जो इस शर्त के साथ हीरा लेकर आया था। अब हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारी शुरू होने लगी और बूढ़े बाबा की जय जयकार होने लगी। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुँचे और उनसे पूछा, आपने तुरंत ही हीरे की पहचान कैसे कर ली। बूढ़े बाबा बोले, राजन मैं बचपन से अंधा हूँ, मुझे हीरे की चमक का तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने इन दोनों को छुआ तो इतनी धूप में हीरा बहुत ठंडा था और कांच का वह टुकड़ा धूप से तप रहा था, वह बहुत गर्म था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी लेकिन असली हीरे का गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा होता है। राजा को अपना उत्तर मिल चुका था। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा रहा, शांति से काम किया, वह हीरे के समान है। अपने अंदर के हीरे की पहचान आपको खुद करनी है और आपको हीरा बनना है, न कि कांच का टुकड़ा जो सिर्फ हीरा जैसे दिखता है लेकिन हीरा नहीं होता।